हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीयूषन शो श्री यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद आए हैं और एक नया वीडियो लेके। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं सांभर, तो उसके लिए हमने लिया है यहाँ पे ऑनियन लिया है, ये हमने 5 छोटा छोटा ऑनियन लिया है, और लिया है मिर्ची, और ये लिया है टोमेटो, 5 पीसेस टोमेटो लिया है, और यहाँ पे सब्जी में लिया है ये आपका लौकी, इसको बंगाली में लाऊ बोलता है, और ये गाजर लिया है, 2 पीस गाजर लिया है हमने, और ये लिया है ड्रमस्टिक्स, और ये भिंडी लिया है, और ये लिया है बीन्स। और हमने सांभर अच्छा बनता है तूट दाल में, हमने तूट दाल लिया है, बॉयल कर लिया है, इसको बॉयल करके अभी रखा है, और यहाँ पे इमली लिया है खट्टा बनाने के लिए, अच्छा लगेगा। और तड़का मारने के लिए हमने यहाँ पे लिया है सूखा मिर्ची, करी पत्ता, और थोड़ा बारीक काटा हुआ ऑनियन, और हमने ब्लैक सोरिसा लिया है, और हम यूज कर रहे हैं ये आपका सांभर मसाला, ये आपको यूज करना पड़ेगा, इसके टेस्ट अच्छा रहेगा सांभर का। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए वीडियो। अभी हम लोग बना रहे हैं, अभी कढ़ाई गर्म हो गया है, अभी हम लोग मस्टर्ड ऑयल ले ले रहे हैं। अभी इसमें हम लोग ऑनियन और जो कटा हुआ मिर्ची था वो ऐड कर रहे हैं। ऑनियन थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा और थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा तो फ्राई हो जाएगा, उसके बाद हम लोग टमाटर ऐड करेंगे। अब थोड़ा सा ऑनियन में फ्राई करने के टाइम पे थोड़ा नमक ऐड कर सकते हैं, इससे थोड़ा ऑनियन जल्दी फ्राई हो जाएगा। अभी इसमें हम लोग टमाटर ऐड कर रहे हैं। अभी हम लोग एक एक करके सब्जी ऐड कर रहे हैं, ये गाजर डाल दिए हम लोग, लौकी डाल दी, अभी भिंडी थोड़ा बाद में हम लोग डालेंगे, इसको थोड़ा सा बॉयल होने दीजिए, उसके बाद हम लोग इसमें भिंडी ऐड करेंगे। इसमें आपका स्वाद अनुसार थोड़ा नमक डाल देना है और थोड़ा हल्दी भी डाल देना। इसको बॉयल होने के लिए हम लोग ढक दे रहे हैं, ये थोड़ा सा बॉयल हो गया है, अभी इसमें हम लोग भिंडी ऐड कर रहे हैं, और इसको थोड़ा सा बॉयल करने के लिए छोड़ देंगे अभी हम लोग। सब्जी अभी बॉयल हो गया है, अभी इसको हम लोग निकाल लेंगे और तड़का बनाएंगे। अभी हम लोग तड़का प्रिपेयर करेंगे और उसमें पूरा सब्जी डाल देंगे। तो तड़का कैसे प्रिपेयर कर रहे हो देखिए, पहले हमने फिर से वही सरसों का तेल ले लिया है, और उसमें हम लोग ऐड करेंगे सूखा मिर्चा और करी पत्ता, और जो बारीक सूखा मिर्ची और करी पत्ता मिक्स कर दिए, और उसमें काला सरसों दे देंगे, बारीक कटा हुआ जो प्याज का उसको अच्छे से थोड़ा मिक्स कर देंगे। ऑनियन थोड़ा ब्राउन होने तक इसको थोड़ा सा वेट करना है, तो ब्राउन होने के बाद अभी हम लोग इसमें जो बॉइल्ड सब्जी ऐड कर देंगे, थोड़ा सांभर मसाला ऐड कर रहे हैं 2 स्पून, एक
इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम लोग जो बॉयल्ड दाल था उसको और वो जो इमली का पानी था उसको ऐड करेंगे। हल्दी और मिर्ची का पाउडर ऐड करने के बाद इसको 2 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेना है, नहीं तो हल्दी का जो स्मेल है वो आपको खाने में आएगा इसकी वजह से। अभी हम लोग इसमें वो इमली का पानी ऐड कर रहे हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको सांभर थोड़ा मतलब पतला पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप गाढ़ा भी रख सकते हैं, एज योर चॉइस। तो अभी हम लोग इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे 15 to 20 मिनट्स। देखिए सांभर बन के रेडी हो गया है और सब्जी भी पूरा अच्छे से बॉयल हो गया है और कलर भी देखिए कितना अच्छा खूबसूरत कलर आया है इसका। अभी हम लोग इसको निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। आप लोग सांभर को इडली के साथ खा सकते हैं, बड़ा के साथ खा सकते हैं, आज तो हम लोग इसको ब्रेड के साथ ले रहे हैं। आप की चाहो तो ब्रेड के साथ ले सकते हो और राइस के साथ भी ले सकते हो। ये बेंगलोर के साइड में साउथ इंडियन लोग बहुत इसको राइस के साथ लेते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।